हम डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, और आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ओड को। इससे पहले हमने सोनेट डिस्कस किए, और सोनेट क्या होते हैं, क्या क्या एग्जाम पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया। आज हम यहाँ पर वही ओड से कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, क्या क्या ऐसी ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें याद रखना जरूरी है ओड के लिए। हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन बने हैं ओड से, यहाँ फिर भी हम जानते हैं क्या कि ग्रीक वर्ड है ओड, जिसका मतलब है सॉन्ग। वहां से ही वर्क ये जो वर्ड है ओड ड्राइव हुआ है। और ये क्या है, फॉर्म एंड एड्रेस टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, ये एक फॉर्म है क्या करने की, किसी पर्सन को एड्रेस करने की, या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी थिंग को। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, हमने जो पढ़ भी लिया है विलियम वर्ड्सवर्थ, ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी। और इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी में हमने क्या बताया, मतलब उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने एड्रेस किया है किसको, सोल के बारे में कहा है। जो ओड होता है वो सीरियस इन सब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं तुम किसी भी पॉइंट, मतलब किसी भी टॉपिक पर उठाकर तुम लिखने लग जाओ, ठीक है, और उसमें सीरियसनेस भी ना हो, उसमें गंभीरता भी ना हो, ठीक है, वो इंस्पिरेबल भी ना हो, जिसे पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि हाँ हमने एक ग्रेट वर्क लिखा है, ऐसा वो ट्रीवियल अपने बड़ा तुच्छ सा नहीं होता, ठीक है, एक बड़ा ही महान होता है। तो ये क्या है, सीरियस इन सब्जेक्ट, कि भाई ये इसका जो सब्जेक्ट होता है, ये जो लिखा जाता है जिस तरह से, उसमें तुम्हें हंसी नहीं आती, उसमें तुम्हें क्या होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटेलेक्चुअल जो, मतलब क्या है कि बौद्धिक ज्ञान की बात यहाँ कही जाती है, ठीक है, इस तरह के कोरिलेशन में हम देखेंगे। आगे देखते हैं क्या कि सीरियस इन सब्जेक्ट है, एलिवेटेड है, मतलब बड़ा चढ़ाकर विस्तृत रूप में कहा जाता है, एलिवेटेड इन स्टाइल, और लार्जर देन लिरिक, लिरिक से ये बड़ा होता है। और ये जो बिगिन होता है, स्टार्ट होते हैं ओड, तो कहीं ना कहीं कोई स्ट्रॉफे के साथ स्टार्ट होते हैं, या फिर कोई अपील होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए लिखा है कि दाउ स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम तो अभी भी क्या हो, अनरेविस्ड हो, कौन किसको कहा है, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, ठीक है। और ये जो लिया गया है, ये कीट्स का वर्क है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, तो ये जो ग्रेशियन अर्न है उसके लिए कहा गया है कि भाई तुम तो क्या हो, तो यहाँ एड्रेस कर रहे हैं यू करके किसको, उस ग्रेशियन अर्न को। आगे हम देखेंगे कि ये जो लिखे जाते हैं क्यों और कब लिखे जाते हैं, तो ये लिखे जाते हैं किसी पब्लिक इवेंट के लिए, कोरोनेशन ऑफ अ किंग, कि भाई किंग का राज तिलक हो रहा है, तो क्या क्या भव्य बातें उसमें है, सीरियस सब्जेक्ट उसमें क्या है, उस पर ये लिखा जाता है। और ये डेथ ऑफ अ लीडर भी लिखा जाता है, डेथ ऑफ अ लीडर, किसी लीडर की डेथ पर ये एलिजी नहीं है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ ओड, कि ओड कितने प्रकार के, पिंडारिक ओड, तो जो पिंडारिक ओड है वो क्या है, ग्रीक राइटर पिंडार हुए हैं, देखो पेट्रार्क वहां सोनेट के लिए, यहाँ पिंडार, पेट्रार्क सोनेट में हुए हैं, पेट्रार्क यहाँ पिंडारक, पिंडार हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पिंडारिक ओड, पिंडार जो ग्रीक राइटर हुए हैं 500 BC के टाइम में, तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। और ये क्या होता है, ये जो पिंडारिक ओड है ये भी बहुत ज्यादा इलेबोरेट है, बहुत ही ज्यादा क्या है, सबलाइम है, सबलाइम A1 क्वालिटी, बहुत ही उच्च क्वालिटी का, ठीक है, इलेबोरेट है, विस्तृत रूप में ये लिखा जाता है। और ये गाया जाता है, गाया जाता हुआ जाता है किसके द्वारा, कॉरिक के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा, समूह के द्वारा, है ना, समूह के द्वारा, और या फिर ट्रूप्स एंड ट्रूप्स ऑफ डांसर्स, जो डांस करने वालों का जो समूह है, गाने वालों का समूह है, उसके द्वारा ये गाया जाता है। और ये है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके मूवमेंट के बारे में। तो इस जो पिंडारिक ओड है इसमें हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, और वो तीन चीजें क्या, कि स्ट्रॉपे, एंटी स्ट्रॉपे और इपोड, स्ट्रॉपे, एंटी स्ट्रॉपे और इपोड, इसे हमें रटना पड़ेगा, क्या
क्या स्ट्रॉपे एंटी स्ट्रॉपे और इपोड स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे और इपोड स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे और इपोड है ना स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे और इपोड स्ट्रॉफे एंटी स्ट्रॉफे और इपोड और ये है क्या क्या राइट टू लेफ्ट जो मूवमेंट है क्या राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ है ना राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जो मूवमेंट है वो क्या है स्ट्रॉफे है जबकि लेफ्ट साइड से जबकि लेफ्ट सॉरी ये लेफ्ट है ना तो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो मूवमेंट है वो तो है एंटी स्ट्रॉफे है ना लेफ्ट से राइट की साइड एंटी स्ट्रॉफे राइट से लेफ्ट की साइड राइट से लेफ्ट की साइड स्ट्रॉफे और बस जहां रुक गए वहां पर क्या है इपोड ठीक है इस तरह का डांस तुम्हें कहां से याद आ रहा है मुझे तो कोई ट्राइब है जैसे भील जनजाति वगैरह वो देखा है इस तरह का डांस करते हुए और है ना आगे पीछे घूमते हैं फिर रुक जाते हैं शायद वही ये मतलब उन्होंने कॉपी किया होगा या उन्होंने किसका कॉपी किया होगा आई डोंट नो बट इस तरह का मूवमेंट आई हैव सीन राइट टू लेफ्ट स्ट्रॉफे लेफ्ट टू राइट एंटी स्ट्रॉफे देखो स्ट्रॉफे का एंटी स्ट्रॉफे हुआ और सबसे पहले राइट से स्टार्टिंग है याद रह जाएगा और स्टैंड स्टिल जहां पर भी वो खड़े हो जाते हैं वो क्या है इपोड तो ये है अच्छा थॉमस ग्रे पोइट रहे हैं उन्होंने लिखा है प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड बार्ड तो ये क्या है ये एक उनका पिंडारिक ओड का वर्क है आगे हम देखेंगे सेकंड टाइम क्या है होरेशियन ओड और होरेस कौन थे ये रोमन पोइट थे उन्होंने इस उन्हीं के नाम पर ये होरेशियन ओड ये वर्क आया वो ये क्या है इस पिंडारिक ओड के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली ये क्या है काम है इसकी थीम मेडिटेटिव है और रेस्ट्रेंड है बंधा हुआ है और मेडिटेटिव है और शांत है इसके कंपैरिजन में जबकि ये क्या है ये इलेबोरेटेड है इसमें कोई बंधन नहीं है कितना भी बड़ा इसमें मूवमेंट है बट इसमें मूवमेंट नहीं है तो जो होरेशियन ओड है वो क्या ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ का हाँ ओड टू ड्यूटी विलियम वर्ड्सवर्थ का ये भी क्या है होरेशियन ओड है ओड टू इवनिंग कॉलिंस का है ओड टू ब्राजील सॉरी बर्जिल ये क्या है टेनिसन का है तो ये वर्क है होरेशियन ओड से तो होरेशियन ओड में हमें जानेंगे इनकी जो थीम होगी वो काम होगी मेडिटेटिव होगी रेस्ट्रेन है जबकि ये कैसे हैं जो पिंडारिक है वो इलेबोरेटेड है आगे हम एक और जानते हैं थर्ड टाइप क्या कि इरेगुलर ओड या फिर शूडो पिंडारिक ओड ये क्या है इरेगुलर है रेगुलर नहीं है ठीक है तो इसी से ये नाम इरेगुलर और पिंडारिक शूडो पिंडारिक तो जो पिंडारिक ओड था ना उसी का यहाँ पे क्या है कॉपी है इसीलिए शूडो तो पिंडारिक ओड इरेगुलर ओड शूडो पिंडारिक ओड या फिर काउलियन ओड ठीक है तो ये थर्ड टाइप का ओड है इसमें क्या होता है इसमें जब लिखते हैं तो इरेगुलर इन वर्ड्स है उनमें कोई आपस में लय नहीं है बस लिखे ही जा रहे हैं है ना स्टेंजाइक स्ट्रक्चर में ये है स्टेंजाज में ये लिखा जाता है तो ये थर्ड टाइप का है एक और हम बात करते हैं कि एक और हम बात करते हैं थ्री तो ये हो गया फोर्थ वाला कि लिखा है ओड किसने ओड लिखे हैं कीट्स ने भी लिखे हैं और शैले ने भी लिखे हैं तो वो जो कीट्स और शैले ने जो ओड लिखे हैं उन्हें हम इंग्लिश ओड के नाम से भी जानते हैं या फिर रेगुलर ओड के नाम से भी हम उन्हें जानते हैं रेगुलर ओड के नाम से जानते हैं जो कि किसने लिखे हैं कीट्स ने लिखे हैं एंड पीवी शैले ने लिखे हैं तो ये भी हमें याद रखना है फोर टाइप के यहाँ ओड हमने देखे पिंडारिक ओड है होरेशियन ओड है रेगुलर ओड इरेगुलर ओड है और रेगुलर ओड है तो रेगुलर ओड इंग्लिश जो राइटर हैं उन्होंने लिखे हैं ठीक है ओड क्या है ग्रीक से वर्ड से ओडी ओडाई से ड्राइव हुआ है इसका मतलब है संग एक सीरियस मैटर पे ये लिखा जाता है एड्रेस किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट को करेगा इलेबोरेट है स्टाइल में लार्जर है किससे बड़ा है लिरिक से ठीक है किसी को एड्रेस करते हुए है ना अपीयर होगा ये पब्लिक इवेंट और कॉरोनेशन पर ये लिखा जाता है ठीक है पिंडारिक ओड
इसमें सबसे ज्यादा हमें जो याद रखना है, इसके मूवमेंट याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि स्ट्रॉफे, एंटी स्ट्रॉफे और इपोड। स्ट्रॉफे, एंटी स्ट्रॉफे, इपोड, ये किस ओड में ये अपियर होते हैं, दिखाई देते हैं? तो ये है पिंडारिक ओड में आते हैं। अच्छा, ये तीन तो ऑप्शन है ही है, एक और कुछ डाल दिया जाता है और बता दिया जाता है कि बताओ कि इसमें पिंडारिक ओड में कौन सा जो मूवमेंट है वो नहीं आता। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हॉरेशियन ओड है, पूछ लिया जाता है कि थीम क्या है, थीम क्या होती है इसकी, ठीक है। इरेगुलर ओड, ये हमें याद रखना है, और ये भी याद रखना कि कीट्स और सैली ने जिस तरह के ओड लिखे उन्हें हम इंग्लिश ओड कहते हैं। तो दिस इज अबाउट ओड। आई होप कि ये लेक्चर जो आपको है अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, याद भी हो गया होगा। जहाँ तक कि मेरा यही ट्राई रहता है कि हम उसे समझें और याद करें, ठीक है। फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।